subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर लेकर के आ गए एक और शानदार क्लास। आज की क्लास जो होने वाली है वो दिवाली स्पेशल है, क्योंकि आज दिवाली का छोटी दिवाली से कहते हैं, आज छोटी दिवाली है। तो छोटी दिवाली में लेकिन बड़ा धमाका मेरी तरफ से आपकी ओर पहुँच रहा है। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एक ऐसा टॉपिक है जो कि SSC का एग्जाम इससे वंचित नहीं रह सकता है। एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप जितना डिस्कशन कर सकते हैं वो कम पड़ेगा, लेकिन उसी डिस्कशन को कंसाइज वे में लेकर के मैं आपके लिए आ चुका हूं। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो आप सभी लोग अपने घर पे बैठे बैठे आज त्योहार के साथ साथ क्लास का भी मजा लीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस प्यारी सी कक्षा में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑन द स्क्रीन क्या होगा भाई? अरे थोड़ी देर मौका निकाल लो, पढ़ लो, फिर जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे समक्ष आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। और हमेशा की तरह बच्चा लोग, मैं आपको टाइमर जरूर देता हूं, जैसा कि 50 सेकंड का टाइमर रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। आप ट्राई करें और बताएं कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलिए सभी लोग कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि जीवन में खुशियों के दीपक जलाने हैं, खुशियों के अगर आपको दीपक जलाने हैं तो याद रखिएगा उसके लिए आपको बहुत असीम प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना? तो क्या आंसर हो सकता है बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर? बहुत बढ़िया, टाइम अप हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या अप्रोच लगेगी। सॉल्यूशन पे पहले आते हैं, उससे पहले बच्चों यहां पे, हाँ जी चलो। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न टू अ स्टार्टिंग पॉइंट एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी। देखिए जब कोई व्यक्ति डी डिस्टेंस जाए किसी स्पीड से, वापस आए किसी अलग स्पीड से, या किसी सेम स्पीड से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज स्पीड क्या होगा याद रखना है हमें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 × s2 / s1 + s2। डायरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 60 इंटू वापस कितने से आया है 40 से, और 60 40 100, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, 6 चौक 24, दोनों 48, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब दिमाग में बात आती है कि सर ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले को आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से लिखा और कब लिखा, कब लिखा, वो तो आपके सामने लिखा है। अब एक बात समझना, होता क्या है कि एवरेज स्पीड का जो जनरल फार्मूला होता है वो भी आप लोग लिख लेंगे। एवरेज इसकी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति डी डिस्टेंस जाए, फिर आगे डी डिस्टेंस जाए और फिर आगे डी डिस्टेंस जाए, ठीक है, और स्पीड यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, यहाँ S3 है, तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, ये आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है? अब ये क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, दैट इज व्हाई हम आप पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि इन सब चीजों को दिलो दिमाग में बैठा लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि अगला सवाल जो है वो भी बहुत कुछ सिखाएगा आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये रहा आपका वो सवाल। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको उतना ही समय देना चाहूंगा, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए ट्राई कीजिए। क्या आंसर होगा बच्चों? कोशिश कीजिएगा, फटाफट आंसर आएगा, सभी का आएगा।
क्या होगा आंसर? चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है, काफी समय दे दिया मैंने। अब अगर इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे तो तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं, समझते हैं। अ पर्सन हैज टू रीच अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम एंड ही फाइंड दैट ही विल बी 15 मिनट लेट इफ ही वॉक्स एट अ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 10 मिनट अर्लियर इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर। एक बात समझते हैं, देखिए क्या है कि ये डिस्टेंस डी जो है वो कॉन्स्टेंट है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि अगर मैं ये दूरी 4 किलोमीटर 4 KMPH से ट्रेवल करूं, बात समझिएगा, तो वो लेट हो जाएगा कितना, 15 मिनट, 15 मिनट। कहता है कि अगर मैं यही डिस्टेंस अगर किससे ट्रेवल करूं, मैं यही डिस्टेंस ट्रेवल करूं अगर 6 किलोमीटर पर आवर से, किससे ट्रेवल करूं 6 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं जल्दी पहुंचूंगा यानी अर्ली पहुंचूंगा। और कितना अर्ली पहुंचूंगा, 6 मिनट। कितना बच्चे, 10 मिनट, आई एम सॉरी, 10 मिनट अर्ली पहुंचूंगा। जब कभी ऐसी स्टेट या कंडीशन ऐसी बनती है तो हमें क्या करना होता है, देखिए इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड जो है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जब कभी लेट अर्ली हो तो आप डी इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू T का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ T क्या है, T जो होता है वो क्या होता है, T होता है डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, आप खुद सोचो। देखो भाई, एक बंदा 10 मिनट अर्ली था और फिर उसी बंदे की बात करें तो 15 मिनट लेट था, तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम इज 25 मिनट। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा, S1 स्पीड क्या है 4, S2 स्पीड क्या है 6, 4 और 6 का अंतर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। बट यूनिट यानी इकाई का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट शुड बी सेम। तो 25 मिनट था ना, आर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड, 60 से आप क्या कर देंगे डिवाइड। आइए अब देखते हैं, इसको देखें तो ये 10 टाइम्स पे कट गया, ये से 2 टाइम्स पे कट गया, ये से 5 टाइम्स पे कट गया, और ये से 5 टाइम्स पे कट गया। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई ना वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर। वो कितनी होगी बच्चों, 5 किलोमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसी के साथ साथ एक सवाल और पूछ लिया जाता है, हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो वो ट्रेंड में क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन ये होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, वो क्वेश्चन ये होता है कि इफ पर्सन वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम, अगर वो ऑन टाइम पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या हो, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए अगर वो ऑन टाइम। क्योंकि भाई देखो, एक बार 4 से जा रहा है 15 मिनट लेट है, 6 से जाता है तो अर्ली पहुंच जाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि भाई देखो, अगर वो ऑन टाइम पहुंचना चाहता है तो स्पीड क्या रखनी होगी। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा सा आंसर ऐसे करना है। देखो आप बताओ, डिस्टेंस आ गई आपकी 5 किलोमीटर। अब अगर कोई बंदा 4 की चाल से जाएगा 5 किलोमीटर, तो आप देखो कितनी देर में पहुंचेगा। तो टाइम जो लगेगा 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1 1/4। तो 15 चौको 60 यानी 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, मानते हो इस बात को। और इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जब वो 4 की चाल से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, मतलब उसे ये दूरी 1 घंटे में तय करनी होगी। ये बात एकदम क्लियर हो गई, क्योंकि 15 मिनट तो लेट है। जब आपको 4 की चाल से जा रहे हो, आपको डिस्टेंस तय करने में 1 घंटा 15 मिनट लगता है, यानी आप 15 मिनट लेट हो तो आपकी दूरी कितनी देर में तय करनी, 1 घंटा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारी 5 ही रहेगी और टाइम क्या हो जाएगा, 1 आर में, यानी 5 किलोमीटर पर आर आपकी स्पीड होनी चाहिए अगर आप ऑन टाइम पहुंचना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कुछ कहना चाहता है। सभी लोग रेडी रहिए पेन पेपर के साथ। क्वेश्चन कितने करेक्ट किए आपने, एक तरफ लिखते रहिए, कितने इनकरेक्ट हुए एक तरफ लिखते रहिए, और लास्ट में अपना रिजल्ट हमें खुद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ये क्लास मैं बाद में देख लूंगा, अगर मान लेते हैं कमेंट्स मेरे पास बाद में देखते हैं, क्योंकि आप क्लास के वक्त मान लीजिए कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो क्लास के एंड में जरूर अपना स्कोर डालेंगे कमेंट बॉक्स में और मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है, ये प्रॉमिस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कोशिश करो बताओ क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया,
क्या आंसर होगा बच्चों? चलिए टाइम अप हो गया, तो 50 सेकंड्स अप हो गए। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कहा गया थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यानी अगर इस पोजीशन पे पुलिस है ना, यहाँ कहीं थीफ होगा और इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी दे रखी, 200 मीटर। मतलब पुलिस मैन स्टार्टेड रनिंग आफ्टर द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। मतलब पुलिस मैन जब जो है थीफ के पीछे दौड़ रहा है तो थीफ रुका नहीं हुआ है, वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ थीफ टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, थीफ जो है 10 किलोमीटर पर आवर से है, जबकि पुलिस की स्पीड कितनी दे रखी, 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों बातें देखो लिखी हुई। ठीक, अब यहां से दोनों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो स्पीड सेम डायरेक्शन में है, S1 और S2, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 डिफरेंस S2 होगा। ये हमेशा याद रखना है, क्या हो जाएगा, S1 डिफरेंस S2। ठीक, थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया जाए। हाँ जी, तो S1 डिफरेंस S2 हो जाएगा। S1 डिफरेंस S2, इसका मतलब क्या हुआ कि S1 और S2 में जो भी ज्यादा होगा उसमें से छोटी वाली स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलर बात यहां पे भी है। देखिए, पुलिस 12 किलोमीटर पर आर से है, चोर 10 किलोमीटर पर आर से है। एक समय बाद पुलिस चोर को धर लेगी। कारण क्या है, पुलिस ज्यादा तेज दौड़ रही है। अब उसको क्या करना है, उसको पकड़ने के लिए यही डिस्टेंस तो कम करना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई आपकी, 12 - 10 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 2 किलोमीटर पर आवर ये बात तय हो गई। और ये 2 किलोमीटर पर आवर से कितने टाइम में इसको 200 मीटर पकड़ना है। ठीक है, 200 मीटर जो है उसे 2 किलोमीटर पर आवर से देखना है। तो इन्होंने कहा है कि हाउ फार विल द थीफ हैव रन बिफोर ही ओवरटेकन बाय द पुलिस मैन। तो यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करते हैं हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए, भाई किस में चेंज कर लिया, 1000 में। अब हमने देखा तो ये 2 जीरो, या इसको कहते हैं कि ये 5 बार में कट गया, सो दिस इज इक्वल टू 1/10। 1/10 मतलब 0.1 आवर्स, 0.1 आवर्स। अब आप देखो 0.1 आवर बाद पुलिस थीप को पकड़ लेगी, तो ये कहाँ तक आगे भाग पाया होगा, चोर की स्पीड क्या थी, चोर कितना दूरी तक तय कर पाया होगा अपनी स्पीड से 0.1 आवर तक, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी वह तय कर पाया होगा, और फिर जाकर के पुलिस ने उसे धर दबोचा होगा। तो ऐसा जो है सवाल आपके समक्ष जब भी आएगा, आपने बस यही तरीका अपनाना है, यही अप्रोच, यही टेक्निक यूज करनी है, ताकि क्वेश्चन को इजिली कनेक्ट कर पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा बच्चों। ठीक है, फिर से आपके लिए समय अवधि चालू होती है और आंसर करके बताइए क्या होगा। क्या आंसर होगा बच्चों? सॉरी,
चलिए आगे देखते हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात किया है तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। बहुत बढ़िया। अ बस ट्रेवल फॉर 7 आवर, ठीक है, फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। देखिए एक बात तय है कि देखिए यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि डिस्टेंस 2D है, ठीक, तो फर्स्ट हाफ क्या होगी D और सेकेंड हाफ क्या होगी D। स्पीड क्या है देखो 30 से और 40 से। इस केस में भी आप क्या लगा सकते हो, D इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू T। इस केस में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। जब कभी कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा किसी स्पीड से, तो भी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है देखो, टाइम कितना दे रखा है, क्यूमुलेटिव टाइम 7 आवर्स, 30 × 40 70 × 7 10 जीरो कट गया, 4 × 3 = 12 120 किलोमीटर। बट ये तो डी है तो 2D कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। 2D कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चे। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करके भी आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। टाइमर जो है आपके लग जाता है, अब कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा कॉन्सेप्ट अभी जस्ट पहले हमने बात की थी, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी है। चलिए तो टाइम अप हो जाता है बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। कहा गया कि 2% कवर सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इफ वन पर्सन। क्या कहा गया कि इफ वन पर्सन टेक्स 25 मिनट मोर देन द अदर। अब देखो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात है कि दोनों लोगों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू S1 × S2 / S1 डिफरेंस S2 × T। अब दिमाग में बात आ रही होगी सर ये आप कैसे पता चल जाता है आपको कि यहाँ पे ये डिफरेंस वाला यूज करना है या फिर पॉजिटिव वाला यूज करना है, तो उसके लिए अप्रोच समझ लो। देखो कभी किसी व्यक्ति को किसी से कम या किसी से ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंस ऑफ टाइम निकालते थे। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या है ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे जब भी डिफरेंस ऑफ टाइम की बात होगी, देखो अंतर ही तो बोला गया ना, तो वहाँ पे हमें क्या लगा देना ये अंतर वाला, और जहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा वहाँ पे क्या लगा देना पॉजिटिव वाला। तो आइए देखते हैं यहाँ पे S1 × S2 की बात करते तो कितना हो गया 25 × 30 = 25 × 30 / कितना हो गया 5 अंतर हो गया, और टाइम जो है वो 25 मिनट है इसको आर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। ये कितनी बार में, 2 बार में चला गया, ठीक है, और ये 5 बार में चला गया। अब ये 125 / 2 करोगे तो 62.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है ना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो बच्चे जब सवाल आएगा ना उसको पकड़ना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप उसको पिक नहीं कर पाओगे तो कैसे लगाओगे, है बात सही है नहीं। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से लगाइएगा, पूरा का पूरा 1 मिनट ले लीजिए आप, लेकिन क्वेश्चन जरूर टच कीजिए, क्या होगा आंसर बताइए।
क्या आंसर होगा बच्चों? क्या आंसर होगा आइए देखते हैं, चेक करते हैं सॉल्यूशन को। टू पर्सन ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू। देखो मान लेते हैं कि यहां से पी और क्यू के बीच की दूरी है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है पी और क्यू के बीच में? 21 किलोमीटर है ना, एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर। अब देखो ये जो है ना बंदे दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे पी से क्यू, क्या स्पीड है 3 km/h और क्या स्पीड है 4 km/h। अब कहानी कुछ ऐसी कही जा रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा, दोनों लोग सेम टाइम पे चालू करते हैं, सेम टाइम पे चल रहे, और होगा क्या कि आप खुद सोचो, अगर इस बंदे का नाम ए है और इस बंदे का नाम बी है तो कौन पहले पहुंच जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है बी पहले पहुंच जाएगा। अब बी वापस भी आ रहा है, तो वापस आते समय ए से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगा। इन्होंने कहा कि देखो वो पॉइंट मान लो आर है, वो पॉइंट आर है, मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो आप खुद सोचो जब ये यहां से जाएगा वापस आ रहा होगा, जब मुलाकात होगी ना इस पॉइंट पे, मान लो घड़ी हम दोनों लगाई, ए बंदा है एक बंदा बी है, दोनों ने घड़ी लगाई, स्टॉप वॉच पे क्लिक किया और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। अब क्या होगा जब यहां पे मीट करेंगे ना, तो दोनों लोग की घड़ी में इक्वल टाइम हो रहा होगा, दोनों की घड़ी में क्या हो रहा होगा, इक्वल टाइम हो रहा होगा। आइए देखते हैं। तो अब यहां क्या हो गया कि देखो ये x है तो ये कितना हो गया 21 - x। अब मैं कह सकता हूं कि जितनी देर में a जो है 21 - x कवर करता है, कौन a 21 - x, उतने ही टाइम में जो b है ना वो 21 + x कवर करता है, क्योंकि भाई ये यहां से जा करके वापस आ रहा है ना, तब मुलाकात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो है ये टाइम सेम करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ए की स्पीड कितनी 3, बी की स्पीड कितनी 4, इक्वेट कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया 84 - 4x, 63 x, इधर हो गया 7x, इधर कितना हो गया 21 हो गया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 3 हो गई। अगर यहां से यहां तक की दूरी 3 है तो डेफिनेट सी बात है 21 - 3 क्या हो जाएगा 18। तो आपसे पूछा क्या गया है कि p और r के बीच की दूरी, तो p और r के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 18 किलोमीटर, हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे से समझ में भी आती होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है एज अ कॉन्सेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए बच्चा लोग, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए कोशिश कीजिए बताइए। चलिए भाई 50 सेकेंड्स अप हो गए हैं, आइए देखते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा सही मायने में। तो विद्यार्थीगण आप अपने आंसर को जरूर मैच कीजिएगा। क्या कहता है कि टू बसेस स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम टू बस स्टेशन एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर। बहुत बढ़िया, मान लो ए और बी दो बस स्टेशन है, क्या कह रहे हैं कि भाई देखो सेम टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है भाई, इनके बीच में कोई ना कोई दूरी होगी और जो स्पीड है ना वो 20 और 25 है, कितनी है 20 और 25 किलोमीटर पर आ है, KMPH में है याद रखिएगा, KMPH और ये भी KMPH है, ठीक। When they meet, one bus may have traveled 80 किलोमीटर more than the other। जब कहीं मुलाकात करते हैं, यहां मान लो मिलते हैं, तो पता चलता है कि एक ने ज्यादा ट्रेवल किया, किसने ज्यादा ट्रेवल किया होगा, एक 20 एक 25 है, बच्चे ये 25 कर लो इसे,
ठीक है, इसे आप क्या कर लो, 25 कर लो। और बिल्लू फिर अटक गया भाई, चलो। तो इसे आप 25 कर लो। अब देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, बहुत आसानी से लगेगा। अगर मैं इन्हें एक घंटे चलाता दोनों लोग को सेम टाइम लगा करके, एक घंटा, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, 5 किलोमीटर, है ना। ये 25 वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड मोर कितना जाता भाई, 5 किलोमीटर। अब आपको कितना बढ़ाना है, 80। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि एक घंटे में 5 किलोमीटर, तो 80 बनाना है। उस 5 को किससे गुणा कर दें, 16 से। 16 × 5 = 80, यानी इसकी भी 16 से गुणा करेंगे, तो ये बात तय हो गई कि भाई देखो 16 घंटे में दोनों लोग मुलाकात कर लेंगे। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो बहुत सीधी सी बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, यानी 45, और टाइम जो है वो कितने घंटे, 16 घंटे। 16 × 64, 16 × 5 = 80, तो 640 + 80, 8 × 4 = 12, यानी 720। तो डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच, 720 किलोमीटर। अब ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया। अगर हमें सही तरीका, सही ढंग, सही सलीका पता है, तो सवाल को लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से टैकल करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। बच्चा लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए व्हाट विल बी द आंसर, अब अगर इस क्वेश्चन को हम टैकल करें अपने अंदाज में तो कैसे करेंगे। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, इफ ही हैड मूव 3 km/h फास्टर ही वुड टेकन 40 मिनट लेस, इफ ही हैड मूव 2 km/h स्लोअर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट मोर। अब मेरी बात को समझना। इस पूरी लाइन को पढ़ करके एक बात पता चला कि डिस्टेंस दोनों में सेम, यानी डी इक्वल टू डी के कॉन्सेप्ट पे हम जाने वाले हैं। अब डी क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी इज इक्वल टू s1 × s2 / s1 · s2 · t, है ना। और ये कब कब यूज होता था, जब डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करी जाए, किसी ने कुछ टाइम सेव कर लिया, किसी ने मोर लिया, तुम यहाँ यूज कर सकते। कैसे, मान लेते कि पहले स्पीड क्या थी, एक्स थी, एक्स किलोमीटर पर आर इनिशियल स्पीड थी। अब अगर कोई बंदा एक्स किलोमीटर पर आर से मूव करता है, फिर कहता है कि अगर उसने अपनी गति को 3 km/h बढ़ा दी, तो अगली स्पीड क्या होगी, x + 3। यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x, x + 3, इसका डिफरेंस कितना आएगा 3 km/h का, और उसने कितना टाइम जो है लेस लिया, वो 40 मिनट, मिनट है उसको आर में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 60। साथ ही साथ यहां पे देखो, पहले एक्स था x km/h, अब बाद में इसने 2 km घटा दी, तो x - 2 हो गया, ये भी किलोमीटर पर आर में, तो x × x - 2, इसका डिफरेंस कितना है 2 × ये भी 40 मिनट है बच्चे, तो 40/60 हो गया। दोनों को इक्वेट कर दें, जो कट जाए उसे काट दो, काट दिया, x से x काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2x + 6 = 3x - 6। इसको क्या करो, x को उधर ले जाओ, तो x बराबर हो गया 12। स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आर। मान लीजिए मैं आपसे डिस्टेंस भी पूछ लेता कि वह दूरी क्या होगी,
तो डिस्टेंस के लिए आपने कुछ अलग से नहीं करना था, डी इज इक्वल टू इसमें या उसमें किसी एक में रख दे। चलो मैं इसमें रख देता हूँ, एक्स एक्स प्लस थ्री बाय थ्री इंटू टू बाय थ्री लिख दूँ, दो दूनी चार, दो तीन छः, ठीक। एक्स की वैल्यू 12, तो 12 गुड़े 12 प्लस 3 15 बटा 3 गुड़ा 2 बटा 3, 3 चौक 12 हो गया, 3 पच 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 20 दुना 40 हो गया, 40 किलोमीटर वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो पूछ लेता है कि बताओ कि वो डिस्टेंस क्या थी, तो 40 किलोमीटर, वो स्पीड क्या थी, तो 12 किलोमीटर पर आ। तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है और सोच सकता है कि दोनों पूछ ले, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपने इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगले सवाल में क्या बातें कही जाएंगी और उनको हमें कैसे टैकल करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, और फिर से आप लोग को टाइमर जरूर देना चाहिए और वो मैं दे रहा हूं, तो 50 सेकंड्स हैं आपके पास, कोशिश कीजिए बच्चा लोग, बताइए क्या आंसर होगा। क्या आएगा बच्चों? तो टाइम अप हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल वे में आपने देखना है। अ फार्मर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है, मतलब कोई ना कोई दूरी होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, और इस डिस्टेंस को अगर मैं बोलूँ कि भाई 61 किलोमीटर है, तो इसे इसने 9 आवर्स में ट्रेवल किया। कितना? 9 आवर्स में ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड अगर आपसे कोई पूछे तो एवरेज स्पीड आप क्या कहोगे? 61/9, ये तो बोलोगे क्या है ये आपकी एवरेज स्पीड है। क्या है ये? एवरेज स्पीड इज 61/9। अब इन्होंने कहा कि देखो ही ट्रेवल पार्टली ऑन फूट, अब मैं इस पर क्या यूज कर सकता हूँ? एलिगेशन। क्यों पूछो? कैसे मैं एलिगेशन कैसे यूज कर सकता हूँ सर, मुझे ये भी बताओ। तो भाई एक बात समझो, एवरेज स्पीड दे रखी है, पार्टली फूट पर जा रहा वो भी स्पीड दे रखी है, बाइसिकल वाली भी स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फूट निकाला जा सकता है, क्योंकि जब स्पीड्स का एवरेज गिवन है मतलब एलिगेशन यूज कर सकते हो। आइए लिखते हैं। तो भाई फूट पे क्या स्पीड है? 4। बाइसिकल पे क्या स्पीड है? 9। एवरेज स्पीड क्या है? 61/9। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 61। अंतर कितने का? 20 का। अंतर कितने का? 25 का। रेशियो कितने आ गए? 5 चौको और 5 पचे। रेशियो आते किसके हैं? तो आप ये क्या लिखे हो? किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो उसी के आते हैं जो डिनोमिनेटर में यूनिट होते हैं, यानी किसकी यूनिट है? टाइम की। तो मेरे हिसाब से जो टोटल टाइम लगा है ना, मेरे हिसाब से टोटल टाइम जो लगा है वो 9 यूनिट है। टोटल टाइम 9 यूनिट है, लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन में कितना है एवरेज टाइम जो दिया था इन्होंने? 9 घंटे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 9 यूनिट बराबर 9 आर। अगर 9 यूनिट बराबर 9 आर है तो 1 यूनिट बराबर 1 आर हो जाएगा, तो 4 यूनिट बराबर 4 आर हो जाएगा। अब कोई बंदा पैदल 4 घंटे चलेगा, किस स्पीड से? 4 के स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 4 × 4 यानी 16 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करेगा? 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से सॉल्व करें कम समय में। तो एक सवाल और आपके सामने, कोशिश कीजिए, 50 सेकंड में फिर भी दूंगा, आप ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा।
व्हाट विल बी द आंसर बच्चा? क्या आंसर होगा? चलिए टाइम अप हो गया, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट लेट द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस इज व्हाट। चलिए बहुत बढ़िया, कहा गया कि देखो भाई 6/7 ऑफ स्पीड से अगर चलता है, यानी आप कह सकते हैं इनिशियल स्पीड 7 है तो फाइनल स्पीड क्या है? फाइनल स्पीड 6 है। ये स्पीड के रेशियो है बच्चे। अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस डी ही ट्रेवल करे दोनों ही कंडीशन, यानी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट, तो टाइम में इसके रेशियो क्या हो जाएंगे 6:7। यानी पहले किसी को 6 यूनिट टाइम लगता था, अब 7 यूनिट टाइम लग रहा है, यानी 1 यूनिट टाइम लेट है, 1 यूनिट लेट है। अब अगर 1 यूनिट लेट है तो ये तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा फंडा है कि देखो भाई द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, तो यहां कितना लेट था 12 मिनट लेट, तो 1 यूनिट बराबर हमारा हो गया 12 मिनट। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ भाई कि 12 × 72, 72 मिनट में वो एक्चुअली पहुंच जाता, यानी 1 घंटा 12 मिनट। उससे एक्चुअल टाइम लगता 1 घंटा 12 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ गिवन है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए, बहुत छोटू सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कक्षा 4-5 का बच्चा लगा देगा इसको, बताओ भी क्या आंसर होगा। What will be the answer? पचास सेकेंड इसके लिए ज्यादा है बच्चे, है ना? 50 सेकेंड इसके लिए बहुत ज्यादा है। आइए चलते हैं, तो 50 सेकेंड ना देकर के सवाल के लिए थोड़ा पहले आ जाते हैं। साउंड ट्रेवल एट 330 meters per second इफ साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड फॉलो द फ्लैश आफ्टर 10 seconds द थंडर क्लाउड इज एट द डिस्टेंस ऑफ। देखो आपको पता है ना स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, है ना? स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए पहले बिजली चमकी और फिर गरजने की आवाज है। जब बिजली चमकी तो लाइट आप तक पहले पहुंच गई, और गरजने की आवाज इसलिए बाद में है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो धीमी है किससे, लाइट से। चलिए अब मैं अगर बात करता हूं, तो उन्होंने कहा कि देखो 330 मीटर पर सेकेंड से साउंड की स्पीड है, और थंडर होने के बाद 10 सेकेंड बाद आपको वो आवाज, ठीक है, फ्लैश होने के 10 सेकेंड बाद आपको आवाज सुनाई। भैया यहां बादल है, यहां आप हो, ठीक है, आपको ये आवाज सुनाई दे रही है कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। यहां से यहां तक पहुंचने में साउंड वेव को टाइम लगेगा, और कह रहे हैं कि साउंड वेव को कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड, और इसकी स्पीड गिवन है वो कितनी है 330 meters per second। तो आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं 330 × 10, तो कितना हो गया 3300 meters। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डी आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके समक्ष आते हैं, देखिए क्या होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारे डायग्राम वगैरह जो बनाए जाते हैं ना वो किस लिए, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना भी घुमा के आए हम कर लेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे है, ये करिए भाई इसको। तो बहुत छोटू सा सवाल है, बहुत चिंटू सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप लोग निपटा देंगे, पता ही क्या आंसर होगा। What will be the answer?
10 सेकंड और बचे हैं, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ट्रेन पास टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 और 400 मीटर इन 100 सेकंड 60 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए, जब ट्रेन ना ब्रिज को पास करती है, ये कोई ब्रिज है, इस ब्रिज को अगर कोई ट्रेन पास करेगी, ट्रेन की लेंथ अगर L1 मान लेते हैं, स्पीड S1 मान लेते हैं, तो इसकी L2 लेंथ होगी, बट S2 क्या हो जाएगी, वो जीरो। कभी किसी प्लेटफॉर्म को मूव करते देखा नहीं ना? तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करते हैं, देखिए क्या होता है, सबसे सीधा फंडा है, हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन को आप एल मानिए, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो दोनों ही केसेस में सेम है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, ट्रेन एक ही जा रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर एस मानते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन एल मानते हैं। पहली कंडीशन में 800 मीटर का ब्रिज है, जिसे पार करने में 100 सेकंड लगा। दूसरी कंडीशन में एस स्पीड से ही, एल डिस्टेंस है ट्रेन की या लेंथ है, और इसकी जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म की या लेंथ जो है, सॉरी, उसको पार करने में 60 सेकंड लगा। दोनों ही एस बराबर है, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एल प्लस 800/100 इज इक्वल टू एल प्लस 400/60। जो कट सकता है वो काट लेंगे, जैसे 2 5 10, 2 3 6, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, आइए यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3L प्लस 8 3 2400 बराबर 5L प्लस 5 6 20। इसको इधर लेकर के जाओगे 400 बचेगा, इसको इधर लाओगे 2L बचेगा, है ना, 3L में से 5L में से 2L, 3L निकल गया, बचा 2L। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 200। इन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ हमारी क्या हो जाएगी ट्रेन, वो है 200। मैं अगर इसी बहाने आपसे स्पीड पूछ लूँ, स्पीड भी बताओ, तो देखो इसका आंसर तो ये हो गया, स्पीड भी बताओ अगर पूछ लेता तो क्या करना होता, 200 ठीक है प्लस 800 यानी कितना हो गया 1000, और डिवाइडेड बाय कितना, 100, कितना 100। तो ये क्या हो जाता आपका 10 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाता 10 मीटर पर सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाता कि स्पीड क्या होगी ट्रेन की। तो अगर पूछा गया होता तो करते, नहीं पूछा गया, नहीं किया। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। 50 सेकंड्स आपको एक बार और। क्या आंसर होगा बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? चलिए आइए देखते हैं। अब अगर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो क्या है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर। ठीक, स्पीड ऑफ ट्रेन जो भी हो, 500 प्लस 150 ये हो गया आपका 650, और कितना सेकंड लगा आपको, 30 सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा आपको, 30 सेकंड। तो स्पीड अगर आप देखो तो वो क्या होगी, 65/3। ठीक है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर, तो भाई हमारा ये क्या हो गया था, 650, और 30 सेकंड से पास किया, 65/3। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370? ये स्पीड है। अब हमसे कहा गया कि भाई देखो, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार करना है तो भाई इसे कितना समय लगेगा, 150 ये हो गया, और टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अभी देखो स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड में, कौन सी स्पीड है, मीटर पर सेकंड में।
तो हमने लिखा भाई 65 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 6 = 36 होता है, लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज हमसे नहीं कटेंगी। चलिए देखते हैं कि ये काट लेते हैं इसको, 500 + 150 = 650 एक बार चेक कर लेते हैं, और ये हो गया 30, 0 कट गया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। और 370 है ना, 370 है, और एक मिनट बच्चे, एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, 370 है ना, 370 और बेटा 150 है ना उसकी लेंथ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना, ये मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है बच्चे, आप सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया भाई, तो पिछले वाले क्वेश्चन की वैल्यूज याद रह गई। तो 370 मीटर ये है, 150 वो हो गया, 3 × 4 हो गया, और 7 × 5 = 12 हो गया, ठीक है, 13 × 5 = 65 हो गया, 13 × 4 = 52 हो गया, ठीक है, 5 × 8 = 40 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 24 सेकेंड, कितना हो गया बच्चों, 24 सेकेंड। तो ये सारे क्वेश्चन कब के हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके SSC, CGL, CHSL, MTS, CPU के ही क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं कराया मैंने। तो बच्चों आज के लिए सोच रहा हूँ कि बस यहीं तक रखा जाए, फिर अगली क्लास में हम लोग और भी बेहतर चीज़ें करेंगे। उससे पहले मेरी तरफ से आपको एक क्वेश्चन और रहेगा होमवर्क के तौर पर, सो दिस इज द क्वेश्चन एज होमवर्क, प्लीज इसे आप ट्राई करें और कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका फटाफट, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि जीवन को इस तरीके से जिए ताकि दूसरों को उससे हानि ना हो और आपको हमेशा आनंद मिलता रहे। तो आज के लिए इतना रहेगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, जहां रहें माता पिता की सेवा करते रहें, क्योंकि इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।